My name is Jyoti Sablani. I'm from class 12 commerce. I study in school demonstration multipurpose school Ajmer. तो आज हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्लांट. इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में वाटर की बहुत शॉर्टेज है. यहाँ पे लोगों को पानी पीने के लिए पानी नहीं होता, वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है. तो इस प्रोजेक्ट से हम वाटर का किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, और वो भी विदाउट पॉल्यूशन. यहाँ पे जो रेन वाटर होगा वो इधर ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग इकट्ठा हो जाएगा. उसके बाद वो वाटर रिचार्ज पैक में जाएगा, जिससे कुछ क्वांटिटी का वाटर जो अपन को नीडेड हो सकता है डेली लाइफ के लिए वो वाटर कंटेनर में जाएगा, और बाकी अंडरग्राउंड ऑब्जर्व हो जाएगा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल को भी इंक्रीज करेगा. यहाँ पे जो वाटर कंटेनर है उसको सनलाइट मिलेगी. यहाँ पे हमने लगा रखा है सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टर प्लांट जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जो यहाँ पे रिफ्लेक्टर ऑब्जर्व करके इसको प्रोवाइड कराएगा. इससे वाटर हीट होगा. हीटर हीटिंग वाटर से जो स्टीम बनेगी उससे यहाँ पे हमने टर्बाइन लगाया है, वो टर्बाइन करेगा. और यहाँ पे हम लोगों ने सनलाइट का यूज़ किया है, तो इससे जनरली बाकी हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर कोल का यूज़ होता है. तो हम लोगों ने यहाँ पे सनलाइट का यूज़ किया, इससे पॉल्यूशन बहुत कम होगा. यहाँ पे स्टीम रोटेट करेगा, टर्बाइन रोटेट करेगा, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जो कि हम लोग इन्वर्टर में सेव कर देंगे, और जिससे यहाँ पे ये हम लोग डेली यूज़ के लिए लाइटिंग इन सब का यूज़ कर सकते हैं. जो स्टीम होगी तो हम लोग इस लास्ट पैनल में यहाँ पे कोल्ड वाटर फ्लो करवाएंगे, जिससे वो स्टीम उस कोल्ड वाटर से कंडेंस होके कंडेंसेशन का प्रोसेस होके वो वाटर में ट्रांसफर हो जाएगा. वो वाटर है कूलेंट पे फिल हो जाएगा, और वो कूलेंट उस वाटर को ऐसे टेम्परेचर पर लेके आएगा जिससे कि फीड्स और ये फिशरीज को कोई प्रॉब्लम ना हो. तो ये वाटर सारा फीड फिशरीज और ये एनिमल हस्बेंड्री में यूज हो जाएगा. जैसा कि इस प्लांट का लास्ट मोटिव और कंक्लूजन देख लिया जाए, तो यहाँ पे रेन वाटर जो कि बहुत असेंशियल है उसको यूटिलाइज करना, उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे. उससे एनर्जी भी डेवलप होगी, और उसके बाद जो प्लांट फील्ड इन सब में यूज़ होगा, एनिमल हस्बेंड्री के लिए वो वाटर यूज़ होगा, फिशिंग के लिए यूज़ होगा, और उसके बाद ये विदाउट पॉल्यूशन होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सोलर एनर्जी का यूज़ किया है विदाउट कोल एनर्जी. थैंक यू.